अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद है सब लोग अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। जी, सर्दियाँ जो हैं वो फरवरी में ही जा रही हैं और गर्मी की आमद आमद है। गर्मियों की शॉपिंग की है, कुछ कपड़े लिए हैं। लॉन के कपड़े तो फिर भी गुजर जाती हैं जैसे तैसे, लेकिन गर्मियों में लॉन के कपड़े लेना तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो हमने भी कुछ कपड़े लिए हैं और आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या लिया है। अम्मी के और मेरे कुछ सूट हैं और आहत के भी कुछ लॉन के कपड़े लिए हैं। गर्मियों में हमारी कोशिश होती है कि आहत को रेडीमेड कम पहनाएं। लॉन के कपड़े होते हैं उनके कुर्ते खुद ही सिलवा कर वो घर में उसको बहुत ही आरामदेह कपड़े पहनाएं, क्योंकि रेडीमेड कपड़ों में ये होता है कि कभी कपड़ा अच्छा नहीं निकलता या उसमें कुछ ऐसी डिजाइनिंग वगैरह भी होती है कि फिर गर्मी महसूस होती है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि गर्मियों में आहत को घर के ही लॉन के कुर्ते पहनाया जाए ताकि वो कंफर्टेबल रहे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, कौन कौन से कपड़े लिए हैं। सबसे पहले आहत से ही शुरू कर लेते हैं, पहले आहत के कपड़े दिखाती हूँ। कज़न की शादी भी आने वाली है 20 एक दिन बाद, तो फिर ये शादी में भी काम आ जाएंगे ये वाले कपड़े। ये देखें, ये है येलो सूट, ये कमीज होगी और इसके साथ वाइट शलवार होगी आहत के लिए ना। ये लॉन का कपड़ा है, गर्मियों में वैसे येलो कलर अच्छा लगता है। और ये है वाइट, बिल्कुल वाइट काटन का है। और एक ये कलर है। चलो जी, अब आते हैं हमारे कपड़ों पे। अभी मतलब हम लोगों ने ना ये नहीं सोचा कि ये अम्मी लेंगी ये सूट, ये मैं लूंगी। हम सब ने बस ले लिए हैं और सिलवा लेंगे, और जिसका जो दिल करेगा वो पहन लेगा। हम दोनों एक दूसरे के पहनते हैं कपड़े, मतलब जो भी कपड़े होते हैं वो अम्मी भी पहन लेती है और मैं भी पहन लेती हूँ। तो ये है एक पिंक सूट, इसके ऊपर ये काम हुआ हुआ है, गला बना हुआ है, रेटे का काम है, मजबूत काम है काफी। और इसका दामन भी बना हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसका दामन बना हुआ है। बाजुओं पे इसका काम नहीं है, वो सादा ही होंगे। ये है इसका दुपट्टा, ये दुपट्टा शिफॉन का नहीं है, ये ऐसे थोड़ा नेट टाइप है, लेकिन ये सूती है। आजकल लॉन के साथ ज्यादातर शिफॉन के दुपट्टे ही आ रहे हैं। और ये इसकी शलवार है। बाकी एक ये सूट है, ये ब्लू कलर का सूट है, ये है शिफॉन का दुपट्टा। ये देखिए, ब्लू और ये ब्राउन कलर। ये है कमीज और ये है शलवार। इसके बाद है एक ये सूट, इसके कलर्स कुछ मतलब भड़कीले हैं, ऑरेंज और ग्रीन। ये देखिए, ये दुपट्टा है, शिफॉन का ही दुपट्टा है। और ये है कमीज, इसके ऊपर गले पे काम हुआ हुआ है, दिखाती हूँ मैं आपको। इसका गला है कहाँ पर, मिल नहीं रहा। अच्छा, ये इसका बैक पे है, ये फूल बना हुआ है, ये रेटे का। और इसका गला नहीं है, मैं भूल गई थी, मैंने समझा शायद इसका गला है, गला इसका नहीं बना हुआ, बस वो बैक पर एक फूल है। और ये इसकी शलवार है ब्राउन। हाँ, और एक ये वाला सूट है ना, ये मेरा फेवरेट है, मुझे इसके कलर्स बहुत अच्छे लगे हैं। और ये है इसका दुपट्टा, ये देखें, ये दुपट्टे का
देखें कलर्स अच्छे हैं ना, लाइट कलर्स हैं, और गर्मियों में ना ठंडे ठंडे कलर्स। और ये है इसकी कमीज, आपको दिखाती हूँ खोलकर। ये देखें ये है इसका गला बना हुआ है, और मैं आपको करीब से दिखाऊं। ये देखें इस पे रेटे का काम है, व्हाइट कलर मतलब ऑफ व्हाइट कलर का ना इस पे ये रेटा निकला हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैमरे में शायद आपको इतना क्लियर नजर ना आ रहा हूँ, लेकिन बहुत तो अच्छा लग रहा है, सफाई से हुआ हुआ है, और कलर्स लाइट प्यारे हैं कि वो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है इसकी शलवार, ये ऑफ वाइट है, और एक ये सूट है जी, इस पे भी काम है, रेटे का काम हुआ हुआ है। क्योंकि कजन की शादी भी है तो इसलिए थोड़ा सा ना ये रेटे वाले सूट हमने लिए हैं। घर में तो खैर ये पहनना अच्छा नहीं लगता, घर में मैं कहती हूँ बिल्कुल सादा कपड़े, बस मतलब ब्लॉन के कपड़े हों, उस पर कोई नग ना लगा हुआ, कोई उस पर कढ़ाई ना हुई हो, कुछ ना हो, सिंपल हो, तो वो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन क्योंकि अभी शादी भी है तो शादी में भी ये सूट काम आ जाएंगे कुछ, इसलिए थोड़े से ना ये कढ़ाई वाले भी एक दो ले लिए हैं। अच्छा ये देखें ये सूट, इस पर ये सारा जो है ना ये इस पर रेटा निकला हुआ है, ये पूरी कमीज पे इस तरह से है, इतना लंबा इसका गला बना हुआ है, और ये इसके दामन पे है। ये वाली जो जगह है ये कटवा कर तो बाजू पे भी लग सकती है ना। इसका दुपट्टा जो है ना वो पीको पे दे दिया है मम्मी ने, मम्मी से अम्मी लेने गई थी बाजार, इस दफा मैं नहीं गई थी, तो फिर जब मम्मी वापस आ रही थी ना तो दुपट्टा मैंने वो पीको के लिए दे दिया। और ये है जी इसकी शलवार। तो ये थी हमारी बस थोड़ी सी शॉपिंग, आपने बताना है कि आपको कैसे लगे कपड़े, आप लोगों ने भी गर्मियों की शॉपिंग कर ली होगी और लॉन के कपड़े खरीदना शुरू हो गए होंगे, या अभी खरीदने का सोच ही रहे होंगे क्योंकि गर्मियाँ ऑलरेडी आ ही चुकी हैं। तो ये थी हमारी बस थोड़ी सी शॉपिंग, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आपको कौन सा सूट अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? अस्सलाम वालेकुम।